बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। ये एक इक्वेशन है, इसको प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, साबित करना है बाय के मेथड। के मेथड से हमने इसको साबित करना है, ठीक है। के मेथड में हमारे पास सबसे पहले ऊपर दिया हुआ था, वो मैं लिखना भूल गया, वो होता है ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी इज इक्वल टू ई बटा एफ। ई बटा एफ इफ अगर ये हो तो के मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है या प्रूव करना है। अब मैं पावर प्रूव करने लगा हूं, हम इसी को लिखेंगे ए ए बटा बी इज इक्वल टू के, सी बटा डी इज इक्वल टू के और ई बटा एफ इज इक्वल टू के। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये मैंने इन सबको मैंने के 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 बराबर क्यों लिखा है, मैंने इन सबको के बराबर क्यों लिखा है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों जो रेशोज हैं ये इक्वल लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस रेशो का जो आंसर है, इस रेशो का आंसर और इस रेशो का आंसर कोई सेम आंसर है, कोई सेम आंसर है, ठीक है। तो वो कोई जो सेम आंसर है ना, वो मैंने के फर्ज कर लिया है भाई, इसका भी आंसर के है, इसका भी आंसर के है, इसका भी आंसर के, ठीक है। और अब यहाँ पर आप निकालें ए इज इक्वल टू डी के और सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के। अब आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को आप यहाँ पर लिखें ए सी प्लस सी ई और प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ बी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास ए की कीमत भी है बी के, सी की कीमत भी है डी के और ई की कीमत भी है एफ के। यहाँ पर हमारे पास ए सी ई और ए की कीमतें, यहाँ पर ये वाली कीमतें पुट हो जाएगी, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, फिर सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के और फिर ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के यहाँ पर करेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर नीचे जो खड़ा है बी डी डी एफ और एफ डी, हमारे पास बी डी और एफ की यहाँ पर कीमतें नहीं है, ये ऐसी की ऐसे ही रहेंगी। सिर्फ ये जो कीमतें हैं हम ऊपर पुट करेंगे, ए की कीमत है बी के और सी की कीमत है डी के प्लस, अब हमारे पास है सी डी के और उसके साथ है ई यानी एफ के, फिर हमारे पास है ई यानी एफ के और ए डी के बटा, ये वैसे के वैसे लिख लेंगे बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ डी। अब आप ये देखें के और के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपने लिखना है बी डी के की 2 जमा डी एफ के की 2 और जमा एफ बी के की 2 नीचे बटा आ जाएगा बी डी जमा डी एफ और जमा एफ बी। ऊपर देखे के की 2 के की 2 के की 2 कॉमन है, कॉमन निकाल ले, या जाएगा के की 2 कॉमन, बाकी बन जाएगा बी डी जमा डी एफ और जमा एफ बी क्लोज, नीचे बी डी जमा डी एफ और जमा एफ बी, ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा के की 2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास ये है ए सी ई बटा बी डी और एफ और कुल की पावर है 2/3। जैसे कि आपको पता है ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के, ई बराबर है एफ के, बी के डी के और एफ के ओवर बी डी एफ कुल की पावर 2/3। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस और माइनस हो तो के कॉमन निकलता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो के की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, ये जगह के की 3 और इधर आ जाएगा बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल, और हमारे पास बाकी बन जाएगा 2/3। और इस 3 से ये 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सिमिलरली उसी तरह आ जाएगा जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था के की 2 हमारे पास आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी के की 2 आ गया, यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है।